खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस रणनीति बनाने में जुटी है, राज्यों के नेताओं के साथ आलाकमान मंथन कर रहा है, लेकिन समस्या इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर है, जहां अपनी अपनी डफली अपना अपना राग है। खुले मन और बंद मुंह से ही हम सीट शेयरिंग की बात आगे चलेंगे। कितनी सीट पे लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे और कौन लड़ेगा, ये उचित समय पर ही जब सभी घटक दलों से बातचीत हो जाएगी तभी ये तय हो पाएगा। इंडिया का गठबंधन हुआ है तो हम सबका ध्येय यही होना चाहिए कि भाई हमें भाजपा को हराना है। 5 दिन बचे हैं, 31 दिसंबर की डेडलाइन है, पर इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी भी नदारद है। फॉर्मूला नहीं है ना सही, कांग्रेस ने फिलहाल सीट शेयरिंग की फिलॉसफी तैयार कर ली है। खुले मन और बंद मुंह से ही हम सीट शेयरिंग की बात आगे चलेगी। नहीं माने बयानबाजी से तो नहीं कहोगा ना, हम बैठेंगे, बातचीत होगी, ईमानदारी से बातचीत होगी, खुलकर बातचीत होगी। जयराम रमेश जो कह रहे हैं वो बात सुनने में अच्छी है, पर क्या करें, पॉलिटिक्स में फिलॉसफी चल नहीं पाती। इंडिया गठबंधन में ही सीटों को लेकर जो टकराव है, लगता नहीं कि नेताओं के मुंह बंद रहेंगे। रही बात मन बड़ा होने की, तो इसका मतलब है सीटों में कटौती, जिसके लिए कोई भी तैयार नहीं। देखना ये है कि खुद कांग्रेस किस हद तक कुर्बानी देती है। हम सीट शेयरिंग के लिए तैयार हैं और हम चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूत हो, इंडिया गठबंधन एकजुट होकर हम लड़े। इसीलिए तो हमने कहा है, हमारा नारा भी हमने दिया है, बदलेगा भारत जीतेगा इंडिया, और इस जीत के लिए कांग्रेस को जो कुछ करना है जरूर करे। खुले मन वाली कांग्रेस की फिलॉसफी अपनी जगह और फैक्ट अपनी जगह। चुनाव के मद्देनजर खड़गे और राहुल राज्यों के नेताओं से मिल रहे हैं। जहां तक पंजाब का सवाल है, कांग्रेस का दावा करीब सभी सीटों पर जीत का है। जाहिर है केजरीवाल की पार्टी से समीकरण बनाना आसान नहीं होगा। प्रकार से लोगों की भावनाएं, लोगों को लगने लगा है कि कांग्रेस एक विकल्प है, कांग्रेस ही पंजाब के अंदर कुछ ना कुछ नया कर सकती है, और उनको लगता है कि द बेस्ट ऑप्शन इज कांग्रेस पार्टी। आने वाले दिनों में और लोग मेरे को लगता है हमारे साथ जुड़ेंगे। कितनी सीट पे लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे और कौन लड़ेगा, ये उचित समय पर ही जब सभी घटक दलों से बातचीत हो जाएगी तभी ये तय हो पाएगा। हमारी तरफ से मैं इतना कह सकता हूँ कि आम आदमी पार्टी तैयार है, हम पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के सामने जो मुश्किल पंजाब में है वही दिल्ली में, बिहार में भी दो सहयोगी पार्टियों के साथ फॉर्मूला क्या होगा अभी साफ नहीं। बिहार कांग्रेस ने 8 लालू और नीतीश के लिए चुनौती बढ़ा दी है। राय थी कि उसमें 9 सीटें तो कोई बात नहीं, एक आध सीट इधर उधर से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम इस गठबंधन और बहुत गंभीरता से सभी से कहना चाहते हैं कि जो चीजें तय हो जाती हैं उस पर सभी को अमल करना चाहिए। बिहार में मसला किसी तरह सुलझ भी गया तो बंगाल में ममता को मजबूत होगा, क्योंकि ममता पहले ही कांग्रेस को पिछले चुनाव की सीपीएम को सीट देने के लिए भी वो आसान। महाराष्ट्र में उद्धव के शिवसेना की नजर 48 साल है कि एनसीपी का दावा क्या होगा। पार्टी का प्रवक्ता या नेता या 25 सीट लड़ेगा, मेरी पार्टी 25 सीट लड़ेगी, तो मुझे ये कहना है कि भाई गठबंधन है, हर एक राज्य में इसका समीकरण अलग अलग है। जो पार्टी जिसके साथ इंडिया का गठबंधन हुआ है तो हम सबका ध्येय यही होना चाहिए कि भाई हमें भाजपा को हराना है। महाराष्ट्र से ज्यादा उलझन यूपी में, जहां अखिलेश अपनी शर्तों पर फैसला करना चाहेंगे। आरएलडी आजाद समाज पार्टी और अपना दल कमेरावादी को सीटें देने के बाद कांग्रेस के लिए क्या बचेगा, ये बड़ा सवाल है। अगर कहीं बीएसपी को भी एडजस्ट करना पड़ा तो तय मानिए कि आगे जबरदस्त खींचतान है।
इन लोगों का जो पूरा के पूरा ये चिक चिक किचकिच दिखाई पड़ रही है, ये 24 के चौराहे से 34 के चौक पर पहुंचने की चाल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब 24 के 24 में इन्हें मालूम है कि 24 के चुनावी चौपाल पे कोई वैकेंसी है नहीं, तो धीरे धीरे जो है वो कांग्रेस की खटारा गाड़ी में खुर्राट सवारी बैठ करके और 34 के रास्ते पे चल रहे हैं। उन्हें मालूम है कि 34 में भी क्या होगा। इस तरह ज्यादातर राज्यों में सहयोगी पार्टियों के साथ सीट के मामले में तनातनी के ही संकेत हैं, और जयराम रमेश हैं कि कह रहे हैं दिल बड़ा करके बंटवारा हो जाएगा। अब कैसे होता है देखिए, 5 दिनों की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।